देते हैं। बारहा आपको समझाया कि सुन्नत करीमा यह है कि पहले इफ्तार करें, इसके बाद दुआ पढ़ें। दुआ इफ्तार के बाद होती है, क्योंकि उसमें जितने भी अल्फाज जिक्र किए गए हैं वो सब ये जाहिर करते हैं कि पहले कोई फेल हो चुका है तब हम कुछ कर रहे हैं। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वबी का आमंतु और तुझ पर ईमान लाया, वा अलैका तवक्कलतु और तुझ पर भरोसा किया, वा अला रिज़्की का अफ़्तरतु और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। तो देखें, रोजा पहले रखा है, ईमान पहले लाए हैं, भरोसा पहले किया है, तो इफ्तार भी पहले होगा, इसके बाद फिर दुआ पढ़ी जाएगी। लेकिन वो हाथ में लेके बैठे होते हैं और टीवी पे असल में वो लिखा भी ऐसे होता है स्लाइड पे कि रोजा खोलने की दुआ, ये बिल्कुल गलत लिखा होता है। यूं होना चाहिए रोजा खोलने के बाद की दुआ। ये अगरचे अजीब लगेगा आपको, बहुत सो को मतलब अजीब लगता है, लेकिन जो साहिब इल्म है उनको कोई अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि असल सुन्नत ही ये है। तो इसलिए इस पे भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।